नमस्ते दोस्तों, ये है आज हमारे पास एक डेक्सा का 2.1 एम्पलीफायर सर्किट, जिसके साथ में जो ये ट्रांजिस्टर हैं उनके ओरिजिनल नंबर साफ करके इस पर ये 5219 43 मार्क किए हुए हैं, जबकि ये कोई दूसरे ट्रांजिस्टर हैं जिसमें आप चाहें तो इसमें 5200 और 1943 भी यूज कर सकते हैं पीएनपी एनपीएन देखकर। और इसमें एक 7805 भी लगा हुआ है हमारे MP3 मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए या BT मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए। तो इसका फर्स्ट वीडियो जब हमने डाला था तो उसके बहुत ही कमेंट आए थे कि इसमें ये ट्रांजिस्टर हैं वो हैं कोई भी हो, लेकिन हमें इसमें PNP और NPN देखकर हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें आप 5200 1943 55 जो भी आपको पेयर में मिले वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो ये नहीं है कि इसमें क्या ट्रांजिस्टर है, क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हम तो सिर्फ ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसमें जो ये बेस सर्किट लगा हुआ है वो इतना अच्छा आउटपुट नहीं देता जिसमें हमारी क्लियर बेस वॉइस आती है। तो इसकी जगह हम एक बेस फिल्टर यूज़ करेंगे दूसरा, जिससे हमारी जो बेस की क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी आए, और बाकी दोनों जो है उसकी आवाज़ तो सही लग रही है लेकिन जो बेस है उसमें थोड़ी हमें डिस्टरबेंस लग रही है जिसका साउंड क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हम इसमें एक दूसरा बेस फिल्टर यूज़ करके इसका आउटपुट लेंगे और बेस को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें एक्स्ट्रा बेस लगाने से इसकी आवाज़ क्लियर हो पाती है या नहीं। अगर होती है तो हम इस सर्किट से अपने आने वाले वीडियो में एक बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो ये सारे पोटेंशियोमीटर के पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ पर हम इसके कंट्रोल्स लगा देंगे वॉल्यूम बेस। तो अभी जैसा आप देख पा रहे हैं हमने हमारे इस सर्किट में सारे कंट्रोल्स लगा दिए हैं, सारे पोटेंशियोमीटर ऐड कर दिए हैं और इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। और ये जो MP3 मॉड्यूल है इसमें हमने एक 4 वोल्ट की बैटरी अलग से लगा करके सप्लाई दी है और हमने ये मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है। इस वाले सर्किट में बेस तो है लेकिन बेस के साथ साथ जो साउंड का डिस्टरबेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो साइड नॉइस है वो इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो इसे क्लियर करने के लिए हम इसमें दो चीज़ कर सकते हैं। पहला तो ये कि इसमें जो ये IC लगा करके ये जो बेस फिल्टर बनाया हुआ है इसे यूज़ ना करके हम इसमें जो इनपुट पॉइंट हैं वहाँ पर डायरेक्ट एक दूसरा बेस फिल्टर लगा करके यूज करें, जो कि हमारे कुछ इस तरीके का है जो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, या बहुत सारे बेस फिल्टर अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हैं जो कि इससे थोड़ा अच्छा हो। और दूसरा ये है कि इसमें जो ये आप जम्पर वायर देख पा रहे होंगे, ये ऑडियो इनपुट के वायर हैं जो हमारे यहाँ से जो ऑडियो इन हो रहा है वो यहाँ तक आता है इस वॉल्यूम तक। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों लेफ्ट राइट ऑडियो यहाँ तक आती हैं। तो इसमें से अगर आप एक रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी होती है सर्किट की वो बेस को फिल्टर करने की इतनी नहीं होती जितना हम इनपुट दे रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो इसका एक पॉइंट समझ लो कि लेफ्ट या राइट दोनों में से एक पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट फ्री हो जाता है, जिससे हमारे बेस में थोड़ी क्लियरिटी आती है।
तो फिलहाल हम ये रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ से जो हम इनपुट दे रहे हैं वहाँ से एक पॉइंट निकाल लेंगे। वैसे आप इस सर्किट को अगर 2.1 की जगह यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो चैनल हैं, लेफ्ट और राइट। इसमें से अगर आप ऐसा करेंगे तो एक चैनल की ऑडियो नहीं आएगी आपके, अगर आप एक वायर निकाल यहाँ से डायरेक्ट हटा लेंगे तो। आप ऐसा ना करके यहाँ से ये रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि हमारे यहाँ बेस वॉल्यूम तक आता है। तो इससे आपको ये जैसा अभी हम टेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ होगी आपके उसमें। तो फिलहाल हम ये जो रेड है वो तो हमारे ग्राउंड है, ये ब्लैक और ये येलो कलर का वायर है, इसमें से दोनों में से कोई एक निकाल लेंगे। पहले हम इसे ऑन करेंगे और फिर हम इसे चालू कंडीशन में निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इससे कितना इफेक्ट पड़ता है। हमारा इसमें एक इनपुट फ्री है, ये येलो वाला हमने फ्री कर दिया है। तो अब हम इसे ऑन करेंगे और फिर इसे टच करके देखेंगे कितना इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से हमारा थोड़ा डिस्टरबेंस कम हो रहा है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉइस जो कि हमारे बेस के साथ में जो लो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये जो यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस है लेफ्ट राइट में, वो डायरेक्ट एक साथ कनेक्ट होकर के ये नीचे जम्पर लगे हुए हैं डायरेक्ट इस वॉल्यूम तक आ रही हैं जो कि हमारे बेस का वॉल्यूम कंट्रोल है। अगर हम इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस फ्री कर देते हैं तो हमारी जो डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरा, आप इसमें जो है अच्छा वाला बेस फिल्टर यूज़ करें जिससे आपको अच्छी क्वालिटी का साउंड मिल सके। वैसे इसमें ये भी सर्किट बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि इसमें जो फिल्टर यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इसके बेस की क्वालिटी को डाउन कर देता है। अगर इसमें ये एक्स्ट्रा बेस का वॉल्यूम अलग नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ ही कम ज़्यादा होता। लेकिन इसमें जो बेस का वॉल्यूम दिया हुआ है वो अलग से है। हम साइड स्पीकर ना चला करके, लेफ्ट राइट जो स्टीरियो स्पीकर है वो नहीं चला करके, इसे बिना हाई फ्रिक्वेंसी के ही हम ओनली फॉर लो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हमें ये डिस्टर्बेंस क्लियरली पता चल पा रहा है। अगर ये हमारे इसमें जो बेस का वॉल्यूम है वो अलग नहीं होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें अलग है। तो कई बार क्या होता है कि हम बिना हाई फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा किए सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा करते हैं, तो हमारे जो सिस्टम है उसका इफेक्ट बहुत ही बुरा पड़ता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो या तो इसमें जो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी का वॉल्यूम कंट्रोल है उसके साथ ही ये लो फ्रिक्वेंसी का ऑडियो होना चाहिए, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जो अलग से हैं तो ये बहुत ही बुरा लगता है जब हम सिर्फ इसमें बेस प्ले करते हैं या ओनली फॉर इसमें जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आउट करते हैं। तो दोस्तों, इसे सही करने का ये दो ही तरीका है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले इस बारे में वीडियो बनाया है कि लो फ्रिक्वेंसी या बेस फिल्टर सर्किट को कैसे यूज करते हैं और इसे किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और इसके बारे में अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।